देखिए, नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया और यह आज प्रमाणित हो गया कि जिसको आपने 2 दिन पहले ओथ कराया, शिक्षा जैसे विभाग का मंत्री बनाया, और आज आपको विपक्ष के दबाव में उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर करना पड़ा। मैंने लगातार 2 दिनों से इस बात को उठाया कि मेवालाल चौधरी एक करप्ट आदमी है जिसके ऊपर करप्शन के कई चार्जेज हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आईपीसी के विभिन्न धाराओं में उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्ति का मामला दर्ज कर रखा है, अवैध निर्माण का मामला दर्ज कर रखा है, और आप उसे शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। कांग्रेस के नज़र में नीतीश गवर्नमेंट टेक ऑफ ही नहीं हो पाई है, टेक ऑफ होते ही यह ग्राउंडेड हो गई है। और ऐसे और भी कई मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद में नहीं होना चाहिए, अनदेखी की गई है, गंभीर आरोप वाले लोग मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए। तो मैं इसे इसी रूप में देखता हूं कि आज बिहार का विपक्ष एक मजबूत विपक्ष है। एक भी गलत निर्णय सरकार लेगी किसी भी पॉइंट पर, तो उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह विपक्ष की बड़ी जीत है, कांग्रेस की बड़ी जीत है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।